हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक। आज जो है ना, हम मटेरियल इमेज और टेक्स्ट इमेज को जो है ना कंबाइन करके एआई की मदद से जो है ना इस तरह की वायरल ट्रेंडी एआई इमेजेस क्रिएट करने वाले हैं। तो अगर आप भी इस तरह की एआई इमेजेस क्रिएट करना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक कम्प्लीट वॉच करना। तो गाइस, आप लोगों ने गूगल को ओपन करना है। यहाँ पर आप लोगों ने सर्च करना है Adobe Firefly। तो ये वेबसाइट सबसे ऊपर आप लोगों को मिल जाएगी। आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने साइन अप वगैरह कर लेना है। उसके बाद इस पेज को जो है ना नीचे की साइड की तरफ आप लोगों ने स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट टू इमेज का और नीचे क्रिएट विद Firefly, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा जहाँ पर आप लोगों ने प्रॉम्प्ट को टाइप करना है मटीरियल को जनरेट करने के लिए। तो जो प्रॉम्प्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। आप लोगों ने वहाँ से प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो आप खुद का प्रॉम्प्ट भी जो है ना यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने जनरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो कुछ ही सेकंड में जो है ना मटेरियल इमेजेस क्रिएट होकर आप लोगों के सामने आ जाएंगी। आपने हल्का सा वेट करना है। तो इनमें से जो भी इमेज आप लोगों को अच्छी लगे, ठीक है, आप लोगों ने उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर इमेज के ऊपर आप लोगों को पेंसिल वाला आइकॉन मिल जाएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये वाले ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों ने यूज़ एज ए स्टाइल रेफरेंस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करना है। उसके बाद इस पेज को आप लोगों ने क्लोज़ करना है, ऊपर क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। उसके बाद आप लोगों ने लेफ़्ट साइड की तरफ थोड़ी सी सेटिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने साइज़ सेलेक्ट करना है, एस्पेक्ट रेशियो पे क्लिक करना है और अपनी इमेज का साइज़ सेलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी आप लोग रखना चाहते हो, तो मैं स्क्वायर ही रखने वाला हूँ। ठीक है, आप भी यही रख लेना। इसके बाद यहाँ पर नीचे की साइड की तरफ आप लोगों को रेफरेंस इमेज को ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने इस तरह की टेक्स्ट इमेज को जो है ना ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए यहाँ पर अपलोड इमेज वाले ऑप्शन पर आप लोगों ने क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद इस टेक्स्ट इमेज को आप लोगों ने अपनी गैलरी में से सेलेक्ट करके ऐड कर लेना है। ऐड करोगे तो आप लोगों ने उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये इमेज अपलोड हो जाएगी और आपके सामने शो हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने स्ट्रेंथ को जो है ना फुल कर देना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर नीचे की साइड की तरफ आ जाना है। ठीक है, और विजुअल इंटेंसिटी को भी फुल करना है, स्ट्रेंथ को भी फुल कर देना है। और यहाँ पर आप लोगों ने जो है ना नीचे की तरफ आना है मज़ीद, और इफ़ेक्ट्स में जो है ना हाइपर रियलिस्टिक को जो है ना आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद राइट साइड की तरफ जो है ना आपको ऑप्शन मिलेगा जनरेट का, तो आप लोगों ने जनरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही जनरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपकी जो है ना टेक्स्ट इमेजेस जो है ना जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो कुछ ही सेकंड में जनरेट होकर आपके सामने आ जाएंगी। तो ये देख लें, आपको मैं साइज़ बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इमेजेस जनरेट होकर आ गई हैं। इनमें से जो भी इमेज आप लोगों को अच्छी लगे, आप लोगों को सामने ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड का, तो आप लोगों ने सिंपल डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपनी इमेज को डाउनलोड कर लेना है। आई होप गाइस आप इस तरह की ट्रेंडी जो है ना ये इमेजेस क्रिएट कर लोगे।